हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बीन्स और आलू की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम सूखी सब्जी बना के दिखाएंगे। बीन्स की सब्जी रोटी, पराठे, पूरी, चपाती के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम बनाएंगे, एक बार आप भी उस तरीके से जरूर बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आलू बीन्स की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा को हम हल्का सा चटकने देंगे। आप सुन सकते हैं जीरा में चटकने की आवाज आने लगी है। अब यहाँ पे हम 2 मीडियम साइज प्याज को बारीक बारीक काट लिए हैं, इसे डाल देंगे। और प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक, यानी कि हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमने प्याज को सॉफ्ट होने तक भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी कि हमने इसे कूट लिया है, क्योंकि बीन्स की सब्जी में अदरक लहसुन का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट तक प्याज के साथ भून लेंगे। हमने प्याज, अदरक, लहसुन सबको भून लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे बीन्स। तो हम बीन्स को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और इसे डाल देंगे। आजकल ताजी ताजी बीन्स मार्केट में बहुत मिल रही है, तो हमने सोचा ये भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लें। हम बीन्स को कवर करके 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे चला के सेक भी करते रहेंगे। तो चलिए हम एक बार कवर हटा के बीन्स चेक कर लेते हैं। अच्छे से भून चुका है बीन्स अपना। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज, हमने टमाटर को बारीक बारीक काट लिया है। बीन्स के साथ हम इसे भी पकाएंगे। तो हमने टमाटर डाल दिया, इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1/2 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं, 2 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच हम मिर्च डालेंगे। मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम साथ में नमक भी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम टेस्ट के अनुसार नमक भी डालेंगे। नमक मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके फिर से 2-3 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। चलिए हम एक बार फिर से सब्जी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अपना टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, मसाला भी भुनने की खुशबू आ रही है। तो हम एक बार फिर से बीन्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बीन्स में आलू ना डाला जाए तो बच्चों को पसंद नहीं आती। तो यहाँ पे हमने 3 आलू को छोटे छोटे पीसेस में ऐसे काट रखा है, आप देख सकते हैं। फिर हम इसे डाल देंगे। अब हम बीन्स के साथ आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने आलू भी मिक्स कर लिया है।
अब हम आलू को भी कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जिससे अच्छे से इसमें मसाला अब्जॉर्ब कर ले। तो हम इसे कवर करके 2-3 मिनट तक पका लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम एक बार सब्जी फिर से चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अपनी मसाला जो है आलू में भी अच्छे से कोट कर लिया है, बीन्स भी पक चुका है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और साथ में डालेंगे हम फ्रेश धनिया पत्ता। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी में। हमने गरम मसाला धनिया पत्ता अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और गर्मा गर्म हम सब्जी सर्व करेंगे। तो चलिए हम सब्जी सर्व कर लेते हैं। वाह, कितना सुंदर सब्जी बनकर तैयार हुआ है। आलू और बीन्स की सब्जी तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा। ठंडी की सीजन हो और आलू बीन्स की सब्जी पराठे के साथ मिल जाए तो मजा आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।